एक बिजी रेस्टोरेंट में हुडी पहने एक लड़की आकर ऑर्डर देती है। कैशियर उसे हैरानी से देखती है। वो जब पेमेंट करती है, कैशियर को उसकी हाथ की कटी हुई उंगलियां भी दिखाई देती है। वो लगातार अपना चेहरा छुपा रही थी। तब वही बैठा एक लड़का अपनी माँ से बोलता है, उस लड़की के साथ क्या हुआ। तब वो लड़की गुस्से में टेबल पलटाकर उन लोगों पर चिल्लाने लगती है। वो रोते हुए रेस्टोरेंट से बाहर चली जाती है। बाकी लोग उस लड़की से डर क्यों रहे है। तो हेलो दोस्तों, मैं हूँ मीर और आप देख रहे हैं कॉर्नर सीट। आज मैं एक्सप्लेन करूंगा एक थ्रिलर मूवी द फाइनल को, जो 2010 में आई थी। सो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम चलते हैं सीधा वीडियो की तरह। कुछ समय पहले हम एक हाई स्कूल को देखते हैं। ब्रेडली नाम के एक लड़के को उसके लॉकर में अगले हफ्ते होने वाली हॉलोवीन पार्टी का इनविटेशन मिलता है। फिर वो अपने क्लास में जाता है। वो अपने सामने बैठे रवि नाम के लड़के को थप्पड़ मारता है और उसे बुली करने लगता है। टीचर उसे नोटिस करता है और उसे अपनी सीट छोड़कर रवि को अकेला छोड़ने कहता है। लेकिन ब्रेडली अपने दोस्त बर्नार्ड के साथ सीट चेंज करता है, लेकिन बर्नार्ड भी रवि को बुली करने लगता है। फिर हम स्कूल की तीन पॉपुलर लड़कियां हैदर, ब्रिजेट और केली को देखते हैं। उन्हें लॉकर के पास एमिली नाम की लड़की दिखती है और तीनों बेवजह ही एमिली को बुली करने लगते हैं। एमिली को बहुत बुरा लगता है और वो वहाँ से चली जाती है। दूसरी तरफ एक आइसोलेटेड और जंगल के बीच में एक घर के बाहर डेन घर के लॉन में लगे बियर ट्रैप को चेक कर रहा था। तभी वहाँ पार्कर नाम का आदमी आता है। पार्कर सोल्जर रह चुका है। डेन उसे अपने अंकल के बारे में पूछता है, जिनका ये घर है। पार्कर बताता है उसके अंकल मर चुके हैं और ये घर अब उसका है। पार्कर जाने से पहले कहता है उसे कोई भी जरूरत पड़े तो उसे बता दे। रात में जब एमिली अपने घर में थी, उसे रवि का कॉल आता है। वो उसे बताती है वो उसकी भेजी हुई कोई स्लैशर मूवी देख रही है और ये मूवी उनके लिए परफेक्ट है। अगले दिन स्कूल में सभी अनपॉपुलर स्टूडेंट टेबल पर रिवेंज लेने के बारे में बात कर रहे थे। वही उनके बगल में सभी पॉपुलर स्टूडेंट थे जो उनके टेबल पर दूध का पैकेट फेंकते हैं। दूध उन सभी पर उड़ता है। ये देखकर वो जोर जोर से उन लोगों पर हंसने लगते हैं। रवि दूध का पैकेट उठाता है और बर्नार्ड के सामने रखता है, लेकिन बर्नार्ड उसे वहाँ भी बेइज्जत करता है। फिर वहाँ कार्टियस आता है। उसे सभी लोग पसंद करते हैं। वो उन लोगों के पास जाकर बताता है उसे अपना पहला एड शूट मिल गया है। वो उन्हें शूट के लिए इनवाइट है और रवि को एड के बिहाइंड द स्कैन शूट करने के लिए बुलाता है। रवि खुशी खुशी आने तैयार था। तब पूरा ग्रुप डिसाइड करता है कार्टियस बाकी बुलीज जैसा नहीं है और वो उनके रिवेंज का पार्ट नहीं होगा। आगे हम हैदर को देखते हैं। तब उसकी एक फ्रेंड उसके फोन में मैसेज पढ़ती है, जिससे उसे पता चलता है हैदर टॉमी नाम के लड़के के साथ यामाकाटा कर रही है, जबकि वो उसकी ही एक क्लासमेट नाडिया का बॉयफ्रेंड है। हैदर उसे इस सीक्रेट को अपने तक ही रखने कहती है। फिर वो सभी हंसने लगते हैं कि कैसे वो अपनी ही दोस्त को चीट कर रहे है। दूसरी तरफ सभी कार्टियस के शूट पर जाते हैं। रवि अपना कैमरा लेंस साफ करने वॉशरूम जाता है। तभी वहाँ बर्नार्ड और ब्रेडली आकर उसे बुली करने लगते हैं और वो लोग बेवजह ही रवि का कैमरा भी तोड़ देते हैं। तभी वह डेन आकर टूटा हुआ कैमरा देखता है, लेकिन ब्रेडली उसे भी बुली करता है और कहता है उसने ही कैमरा तोड़ा है और वो क्या कर लेगा। फिर वो उन दोनों पर हंसते हुए चले जाते हैं। डेन रवि से कहता है उनका टाइम जल्द ही आने वाला है। अगले दिन रवि कार्टियस से माफी मांगता है क्योंकि वो शूट नहीं कर पाया, लेकिन उसे पता है इसमें रवि की गलती नहीं है। वो जाकर ब्रेडली को कन्फ्रंट करता है और रवि को अकेला छोड़ने कहता है। यहाँ दोनों की फाइट हो जाती है, जिसे सारे स्टूडेंट इंजॉय करते हैं। फिर हम डेन को उसके रूम में देखते हैं। बाहर से उसके पेरेंट्स के लड़ने की आवाज आ रही थी। वो अपने सिर पर गन रखता है। फिर वो अपने आप को शांत करता है और खुद से कहता है अब उसे डरने की जरूरत नहीं। दूसरी तरफ रवि के घर परिवार के लोग आपस में बात नहीं करते। बात क्या, वो एक दूसरे को देखते तक नहीं। दूसरी तरफ जैक के फादर कार ठीक कर रहे थे। जैक कहता है वो जा रहा है, लेकिन उसके डैड को कोई परवाह नहीं थी, उल्टा वो भी उसका मजाक उड़ाते हैं। फिर जैक डेन से मिलता है। वो दोनों गन प्रिपेयर कर रहे थे। उस रात सभी लूजर्स साथ में बैठे थे और अपनी बेकार जिंदगी और फैमिली प्रॉब्लम के बारे में बात करते हैं। डेन कहता है उनकी सभी प्रॉब्लम्स जल्द ही खत्म होने वाली है। आगे हम देखते हैं पॉपुलर लड़कियां किसी कॉस्ट्यूम पार्टी की तैयारी कर रही है। दरअसल डेन ने अपने अंकल के घर पर बुलीस के लिए पार्टी अरेंज की थी और वो मेक श्योर करते हैं वो इस पार्टी को अपनी जिंदगी भर ना भूले। फिर घर में सभी लूजर्स सर्कल बनाकर गॉड से प्रेयर कर रहे थे। अगर उन्हें रुकना है तो गॉड उन्हें कोई इशारा करे, लेकिन कोई इशारा या संकेत नहीं होता, इसीलिए वो अपने प्लान को आगे बढ़ाते हैं और कहीं छुप जाते हैं। कुछ देर बाद सभी बुलीज वहाँ आ चुके थे और लाउड म्यूजिक में इंजॉय कर रहे थे। वहाँ लूजर्स भी अलग अलग कॉस्ट्यूम और मास्क में थे, लेकिन तभी वो देखते है वहाँ कार्टियस भी आया है, जबकि उन्होंने उसे इन्वाइट नहीं किया था। रवि कार्टियस को वापस भेजने
भेजना चाहता है, लेकिन डेन मना कर देता है क्योंकि रूल्स के मुताबिक पार्टी में आने वाला कोई भी वापस नहीं जा सकता। एमिली चुपके से ड्रिंक में कुछ मिला देती है, फिर सभी उस ड्रिंक को पीने लगते हैं और कुछ ही समय बाद सभी एक एक करके सो जाते हैं। फिर लूजर्स अपने कॉस्ट्यूम बदलते हैं और सभी के फोन और गाड़ियों की चाबी एक जगह जमा कर लेते हैं। उन्होंने सभी स्टूडेंट को एक साथ जमीन पर ला लिया था। डेन लाउड म्यूजिक लगाकर उन्हें जगाता है। जब वो जागते हैं, उन सभी के हाथ पैर चैन से बंधे थे। सभी एक दूसरे को हैरानी से देख रहे थे। सामने वॉइस मैनिपुलेटर के जरिए डेन कहता है, उन बुलीज ने कई सालों से बेवजह उनकी जिंदगी जहन्नुम बना रखी है, जिसका आज वो बदला लेंगे। वो आज उन्हें मौत से भी बदतर सजा देने वाले है। वो सब इस बात को सीरियसली नहीं ले रहे थे। उनमें से एक स्टूडेंट डेन का मजाक बनाता है, जिससे सब हंसने लगते हैं, जिसके बदले में जैक उसके चेहरे और घुटने में कैटल गन चला देता है। तुरंत ही सभी स्टूडेंट के चेहरे पर हंसी की जगह डर और घबराहट आ जाती है। वो उस लड़के को एक कमरे में तड़पता हुआ छोड़ देते हैं। डेन उसे टॉन्ट करते हुए कहता है, अब उन्हें सिचुएशन की सीरियसनेस समझ आ गई होगी। आगे डेन उनसे पूछता है, बाहर किसे जाना है। टॉमी अपना हाथ उठाता है और अपनी गर्लफ्रेंड नाडिया को भी साथ ले जाने कहता है, लेकिन अकेला बाहर भेजता है। जाने से पहले टॉमी अपनी गर्लफ्रेंड नाडिया से कहता है वो मदद लेकर वापस आएगा। उसके जाने के बाद डेन नाडिया को बताता है वो अपने बॉयफ्रेंड से बहुत प्यार करती है, लेकिन वो उस पर हैदर के साथ चीट कर रहा है। हैदर उसकी तरफ देखती है मगर कुछ नहीं कहती, जिससे ये बात कंफर्म हो जाती है। वही बाहर टॉमी जंगल में भाग रहा था, लेकिन लूजर्स उसका पीछा कर रहे थे। टॉमी का पैर एक बियर ट्रैप में फंस जाता है, जिससे वो बुरी तरह जख्मी होता है। वो लोग उसे भी उसी रूम में लाकर रख देते हैं। ब्रेडली कहता है वो सब हेल में जाएंगे, लेकिन डेन कहता है वो ऑलरेडी जहन्नुम में ही है, मतलब उन बुलीज ने उनकी जिंदगी लिविंग हेल बना दी थी। फिर जैक उन बुलीज के लिए बेंजो बजाता है। फिर रवि चाकू लेकर बर्नार्ड के पास जाता है, लेकिन वो उसे भला बुरा बोलने लगता है। बदले में रवि उसके कांधे में चाकू मार देता है, फिर उसके मुंह में कोई लिक्विड डालता है। थोड़ी ही देर बाद बर्नार्ड ने हिलना ढुलना बंद कर दिया था। रवि वापस जाते समय कार्टियस के सामने चाबी गिरा देता है। फिर डेन सभी को बताता है बर्नार्ड जिंदा है लेकिन पैरालाइज हो चुका है, लेकिन वो सब देखने और सुनने के साथ महसूस भी कर सकता है। फिर एमिली उसके पास आती है और सभी को अपने पास की नीडल्स दिखाती है। फिर वो लगातार बर्नार्ड को पिन चुबाने लगती है। हर एक पिन चुबने से उसकी बॉडी रिएक्ट कर रही थी, मतलब उसे दर्द हो रहा था। आखिर में वो सारी नीडल्स उसके चेस्ट में चुभा देती है। फिर बर्नार्ड को भी बाकियों के साथ रख दिया जाता है। फिर एंडी हाथों में एक्स लिए अगले शिकार को ढूंढ रहा था, लेकिन कार्टियस अपने आप को खोल कर वहां से बाहर भागता है। डेन उसे शूट करने की कोशिश करता है, लेकिन रवि डेन को गिरा कर उसे बचा लेता है, लेकिन डेन रवि को ओवरपावर करता है। रवि कहता भी है कार्टियस उन बुलीज जैसा नहीं है, लेकिन डेन के मुताबिक उसने ग्रुप को धोखा दिया है। वो सीधा रवि के चेस्ट में चाकू मार कर उसे जान से मार देता है। सभी लूजर्स ये देख कर शॉक रह जाते हैं। एमिली तुरंत रवि की तरफ भागती है और डेन को भला बुरा बोलती है, लेकिन डेन बाकी लोगों को बोलता है वो सभी किसी भी कीमत पर बचने नहीं वाले। वही बाहर भागते हुए कार्टियस को एक पुलिस वाला दिखाई देता है। वो तुरंत उससे मदद मांगने लगता है, लेकिन लूजर्स उसका पीछा कर रहे थे और वो ऑफिसर उनके हाथों मारा जाता है। कार्टियस ऑफिसर की गन लेकर वहां से भाग जाता है। एंडी और जैक उसका पीछा कर रहे थे, वो ऑफिसर की लाश देखते है। वही घर में एमिली रवि के डेड बॉडी के पास बैठी थी, तब वह जैक आता है। एमिली कहती है डेन को ये करने का कोई हक नहीं था, लेकिन जैक कहता है उन्होंने जो शुरू किया है उन्हें खत्म करना ही होगा। आगे हम देखते हैं हैदर चेयर पर बैठी है। एमिली उसके चेहरे पर कोरोसिव कंपाउंड लगाती है। डेन सबको बताता है कोरोसिव कंपाउंड धीरे धीरे तेजाब की तरह मास को जला देता है, जिसमें बहुत पेन होता है। एंडी आकर डेन को ऑफिसर की मौत के बारे में बताता है। फिर वो सभी को टॉन्ट करते हुए कहता है कार्टियर हेल्प लाने में फेल हो गया। डेन के मास्क पहनने पर ब्रेडली उसे बुजदिल कहता है, लेकिन डेन उसके पास आते हुए जवाब देता है वो वैसे ही दिख रहे हैं जैसे उन लोगों ने उन्हें बुली कर करके बना दिया। डेन का मतलब था मॉन्स्टर। फिर डेन उसके सामने अपना मास्क उतारता है ताकि उसे पता चले किसने उसकी जिंदगी बदल दी। डेन कहता है उसकी जिंदगी डार्कनेस में थी, वो मरना चाहता था, लेकिन ब्रेडली से बदला लेने के लिए वो जिंदा रहा, मतलब ब्रेडली ने ही कहीं ना कहीं उसे ये सब करने के लिए मजबूर किया। वही बाहर कार्टियस पार्कर के घर पहुंचता है और उससे मदद मांगता है, लेकिन पार्कर उस पर यकीन नहीं करता और उसे नॉकआउट कर देता है। फिर एमिली अपने अगले शिकार ब्रेडली के पास जाती है। ब्रेडली जो अपने से कमजोर लोगों को बुली करता था अपनी जिंदगी के लिए एमिली के सामने भीख मांगने लगता है। एक स्टूडेंट ब्रेडली को ऐसा करने से मना कर रहा था क्योंकि इससे उन लोगों को मजा आ रहा है, लेकिन ब्रेडली एमिली के पैरों पर गिरकर लगातार अपनी जिंदगी की भीख मांगता रहता है।
रहा है। ब्रिजेट एमिली से कहती है उसे पता है वो कौन है। तब एमिली अपना मास्क उतार लेती है और उसके साथ बाकी लूजर्स भी। उसे देखते ही ब्रिजेट उसके साथ किए गए अपने व्यवहार के लिए माफी मांगने लगती है। एमिली उसे ऑफर देती है वो ब्रैडली की उंगलियां काट दे तब वो उसे छोड़ देगी। फिर लूजर्स उसे चेयर पर बांध देते हैं। फिर वो गन पॉइंट पर ब्रैडली से ब्रिजेट की उंगलियां काटने कहते हैं। ब्रिजेट उसे ऐसा ना करने के लिए बोल रही थी लेकिन ब्रैडली को अपनी जान की ज्यादा फिक्र थी। एमिली ब्रिजेट का मुंह दबाती है और ब्रैडली उसकी उंगलियां काटता है। लूजर्स को उन लोगों को रोता और दर्द में देख बहुत सुकून मिलता है। देन ब्रैडली को ब्रिजेट की एक और उंगली काटने कहता है वरना वो उसके मुंह पर कोरोसिव कंपाउंड लगा देंगे। ब्रैडली ब्रिजेट की एक और उंगली काट देता है। एमिली ब्रिजेट से कहती है वो बच सकती है बस उसे यही काम दूसरे के साथ करना होगा। दूसरी तरफ कार्टियस पार्कर को कन्विंस करने की कोशिश कर रहा था। उसके बार बार बोलने पर पार्कर डिसाइड करता है वो कार्टियस को यही बांधकर डेन का घर चेक करने जाएगा। इस तरफ अब उन लोगों ने ब्रैडली को चेयर पर बांध दिया था लेकिन ब्रिजेट ब्रैडली की उंगलियां काटने में हिचकिचा रही थी। उसे और पुश करने के लिए एमिली ब्रिजेट के आधे चेहरे पर कोरोसिव कंपाउंड लगा देती है और उसे कहती है अगर उसने ब्रैडली की उंगलियां काट दी तो वो उसका चेहरा जलने से पहले ही कोरोसिव कंपाउंड हटा देंगे। ब्रिजेट कटर ब्रैडली की उंगलियों पर रखती है लेकिन गिव अप कर देती है क्योंकि वो ये नहीं कर सकती। अब रिजल्ट में उसकी स्किन जलनी शुरू होती है। बाहर पार्कर गन लिए डेन के घर की तरफ बढ़ रहा था लेकिन तभी वो एक ट्रैप में फंस जाता है और बहुत सारे नाइफ उसके पैर में घुस जाते हैं। वो दर्द से चिल्ला रहा था जिससे लूजर्स का एक मेंबर उसे देख लेता है जो बाहर ही नजर रख रहा था लेकिन पार्कर उसे मार गिराता है। कार्टियस भी अपने आप को छुड़ा लेता है। वो तुरंत ही पुलिस को कॉल कर देता है फिर बाहर आकर पार्कर के पीछे जाता है। इस तरफ ब्रिजेट का चेहरा अब तक पूरी तरह जल चुका था। डेन ब्रैडली से कहता है उसे समझ नहीं आ रहा वो किस तरीके से उसे टॉर्चर करे। वो जो भी सोचता है वो उससे सेटिस्फाई नहीं हो रहा लेकिन वो ब्रैडली को एक पनिशमेंट देने का डिसाइड करता है जो डेन के हिसाब से ब्रैडली के लिए सूटेबल है। ब्रैडली फिर उससे माफी मांगने लगता है लेकिन डेन को कोई परवाह नहीं थी। डेन कहता है अब ब्रैडली कभी अपना फेवरेट गेम नहीं खेल पाएगा और ना ही कभी सेक्स कर पाएगा। फिर डेन उसके स्पाइनल कॉर्ड में चाकू मार देता है जिससे ब्रैडली हमेशा के लिए गले के नीचे पैरालाइज हो जाता है। वही बाहर लूजर्स के एक मेंबर को उसके साथी की लाश मिलती है और कुछ ही दूरी पर पार्कर भी पड़ा था। वो उसे लात मारकर उठाने की कोशिश करता है और जैसे ही उसे देखने के लिए झुकता है पार्कर उसे भी मार देता है। अंदर डेन स्पीच दे रहा था लेकिन उन स्टूडेंट में से एक उन लोगों को भला बुरा बोलने लगता है। वो सभी उसके पास आते हैं और उसे अपना अगला विक्टिम चूज करते हैं। वही जंगल में कार्टियस जख्मी हालत में पार्कर से मिलता है। पार्कर कहता है वो उसकी परवाह ना करे और जाकर उन स्टूडेंट को बचाए। वही अंदर ज्यादा बोलने की वजह से डेन उस स्टूडेंट की जीभ काटने वाला था लेकिन तभी वह कार्टियस आकर उन सभी को रुकने कहता है। डेन उससे कहता है वो यहाँ से चला जाए क्योंकि उनकी उसके साथ कोई दुश्मनी नहीं है लेकिन कार्टियस नहीं मानता और उस लड़के को छोड़ने कहता है लेकिन डेन उस लड़के की तरफ गन पॉइंट कर देता है। कार्टियस उस लड़के की तरफ गन पॉइंट करता है जो उसकी जीभ काटने वाला था। अगले ही मोमेंट में कार्टियस उस लड़के को गोली मार देता है और डेन कार्टियस को शूट कर देता है लेकिन गोली कार्टियस के कंधे पर लगी थी लेकिन डेन गन लेकर उसे मारने जाता है लेकिन उसी समय एमिली उसे पीछे से शूट कर देती है क्योंकि वो बहुत देर से उसे बर्दाश्त कर रही थी। डेन मर जाता है। फिर जैक उसके पास आकर कहता है उसे भी ऐसा ही लग रहा था। वो एमिली को शांत करता है। फिर एमिली नीचे देखती है क्योंकि केली अभी भी बची हुई थी। एमिली उससे कहती है वो बस दोस्त बनना चाहती थी। फिर वो जैक की तरफ पीट कर देती है। जैक उसके सिर में गोली मार देता है क्योंकि यही एमिली की आखिरी इच्छा थी। इसके तुरंत बाद ही वहाँ पुलिस पहुंचती है। वो जैक को गन नीचे रखने कहती है लेकिन जैक उन्हें कहता है बाहर उनके जैसे बहुत से लोग हैं जिनकी जिंदगी ऐसे ही बुलीज ने बर्बाद कर दी है, उन्हें जस्टिस की जरूरत है। फिर जैक खुद को भी शूट कर लेता है और सीन ब्लैकआउट हो जाता है। अगले दिन न्यूज में आता है कुछ स्टूडेंट को विदाउट रीजन के किडनैप करके टॉर्चर किया गया। कार्टियस भी बच गया था, केली भी बच गई थी लेकिन इन सब से वो इतने डिप्रेशन में थी कि वो सुसाइड कर लेती है। और हमें पता चलता है मूवी की शुरुआत में जो लड़की दिखाई गई थी वो और कोई नहीं बल्कि ब्रिजेट थी। और यहाँ ये मूवी भी एंड होती है। तो दोस्तों कैसी लगी आपको ये मूवी मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसी ही अमेजिंग मूवीज के एक्सप्लेनेशन देखने के लिए मेरे इस चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं अगली बार किसी और अमेजिंग मूवी के एक्सप्लेनेशन के साथ। पीस आउट।